आगे बढ़ेंगे। खबर ये, हाईकोर्ट से कत्ल के मुलजिम की जमानत खारिज होने पर फरार होने की कोशिश। मुलजिम मिर्जा अमीन को भगाने की कोशिश पर मुद्दई पार्टी से हाथापाई हो गए। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान ने कत्ल केस के इश्तिहारी मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मुलजिम मिर्जा अमीन को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। तो इस मौके पर कत्ल के मुलजिम ने अदालत से फरार होने की कोशिश की, तो सिक्योरिटी एहलकारों ने ये कोशिश नाकाम बना दी और इस मौके पर मुलजिम मिर्जा अमीन को हिरासत में ले लिया। जबकि इस मौके पर मुलजिम ने पुलिस की मौजूदगी में मुद्दईयों पर हमला करने भी कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया और मुलजिम के खिलाफ थाना मानावाला में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। ठीक है अशफाक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पेशी पर आए मुलजिमान ने सेशन कोर्ट में असलहा साथ लाना मामूल बना लिया। जजिस गेट से तीन मुलजिमान को असलहा समेत पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद हुआ। इसी पर बात करेंगे, नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, इब्तदाई मालूमात क्या सामने आई? जी, सेशन कोर्ट पेशी पर आए मुलजमान ने असला साथ लाना मामूल बना लिया है। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी टीम की जजिस गेट पर एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ पर इंस्पेक्टर बशर ऐवान की सरबराही में सब इंस्पेक्टर आसिफ नजीर ने तीन मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से M4 ऑटोमेटिक राइफल, राइफल 12 बोर, रिपीटर और इस समेत चार जो है वो मैगजीन बरामद की गई है। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी टीम ने मुलजमान शकील अब्बास, कमर अब्बास और इब्राहिम को गिरफ्तार करके थाना इस्लामपुरा मुंतकिल कर दिया है, जबकि थाना इस्लामपुरा में मुलजमान से मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंदर ने इंचार्ज जो है ना सेशन कोर्ट मुबशर हुसैन वान को अपना अदालत में बुलाया और उनको शाबाश भी दी है। उनको कहा कि इस तरह की जो पेशियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो मुलजमान अपने साथ असला लाते हैं और उनके जो नुमान नूर, इससे मुतालिक आपने अपडेट किया, शुक्रिया।